कोकराझार के शांतिपुर में फायरिंग की घटना सामने आई है। यहां पर्वत झोरा बाजार में मोटरसाइकिल से आए दो अपराधियों ने कस्टमर सर्विस सेंटर के कर्मचारी पर फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग में सफिकुल इस्लाम घायल हो गया है, उसे हाथ में गोली लगी है। मौके पर रूपसी पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा ले रही है, साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। तो कोकराझार से ये फायरिंग की घटना सामने आई है, शांतिपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर्वत झोरा बाजार में मोटरसाइकिल से आए दो अपराधियों ने कस्टमर सर्विस सेंटर के कर्मचारी पर फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। फायरिंग में सफिकुल इस्लाम जख्मी हो गया है, उसे हाथ में गोली लगी है। मौके पर रूपसी पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा ले रही है, साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी मिजिंग के साथ। मिजिंग, क्या लूट के इरादे से फायरिंग हुई या फिर आपसी रंजिश का ये मामला है? जी, ये आपसी मामला नहीं है, ये लूट के लिए लूट के टारगेट से आया था। जो दो लुटेरा जो बाइक में सवार आया था और जो सीधा जो दुकान में जो बिठाए जो सीएसपी के जो ओनर था सफिकुल इस्लाम, उसको सीधा गोली मार दिया गया। और जो उसका जो सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट से जो है कि 2.5 लाख रुपया लूट के जो फरार होने की कोशिश में था, उसके बावजूद फरार होने की कोशिश में जो वहाँ के स्थानीय लोग है, पब्लिक है, उन्होंने घेराबंदी किया और बाइक छोड़ के जो लुटेरा है वो उन लोगों को फरार होना पड़ा। तो बाइक छोड़कर लुटेरे फरार हो गए। आपने प्रत्यक्षदर्शी का जिक्र किया, मिजिंग क्या कह रहे हैं, क्या नकाबपोश लोग थे ये दोनों? जो सोर्स के मुताबिक जो बताया गया है कि एक जो बाइक चालक है वो हेलमेट पहना हुआ था और दूसरा जो फायरिंग किया था वो बिना हेलमेट में था। और वो उन लोगों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो पल्सर 160 बाइक था और उसका नंबर कोकराझार नंबर है A16L5848, उस गाड़ी का नंबर है। और पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या पहचान हो पाई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? फिलहाल अभी पुलिस छानबीन शुरू किया है। जो बॉर्डरिंग एरिया का पुलिस स्टेशन है, जो धुबरी और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो एक पुलिस स्टेशन है और रूपसी पुलिस स्टेशन से यहाँ पे छानबीन शुरू की गई है। और अभी भी फिलहाल जो पुलिस की तरफ से पूरा इन्वेस्टिगेशन जारी रखा गया है। अब मिसिंग, आखिरी सवाल, जो जख्मी हुआ है क्या वो दुकान का मालिक है या फिर कर्मचारी है सर्विस सेंटर का? और सर्विस सेंटर जो सफिकुल हक है जिसका हाथ में गोली लगा है वो दुकान का भी मालिक है, साथ में वो सीएसपी भी जो लोकल मार्केट है उसमें कस्टमर सर्विस पॉइंट भी चलाता है। और जो जो पैसा है वो खुद का पैसा नहीं है, सफिकुल हक का नहीं है, वो SBI का पैसा है जो पब्लिक सर्विस के लिए वो खुद का जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पे रखा था और जिसको लूट के जो लुटेरा अभी फरार हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिजिंग, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कोकराझार के शांतिपुर में ये फायरिंग हुई, जहां पर्वत झोरा बाजार में मोटरसाइकिल से आए दो अपराधियों ने कस्टमर सर्विस सेंटर के कर्मचारी पर फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते लुटेरे जो है वो अपनी बाइक छोड़ ही वहां से फरार हो गए और पुलिस फिलहाल दोनों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जांच पुलिस ने अपनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इस फायरिंग में सफिकुल इस्लाम जख्मी हो गया है, जो उस सर्विस सेंटर का मालिक है। मौके पर रूपसी पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा ले रही है।